हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो डेवलपमेंट नहीं करती हैं, पोजेशंस के भी बड़े मसले होते हैं, ज़मीन लोग पूरी ख़रीदते नहीं हैं, एनओसीज़ के मसले होते हैं, तो आप किस तरह से ये सारी चीज़ें लेकर चलेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, ये शेयर विद यू। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जितने आपने सवाल किए हैं उससे बढ़ के भी कुछ सवाल होते तो उनका भी जवाब मिलता आपको। आप वेबसाइट पर जाएँ फाटा की, वहाँ एनओसी लिखा हुआ है, प्रॉपर एनओसी है और ग्राउंड रियलिटी है। आप 2 माह के बाद जब आपका दिल करे प्लॉट का पोजीशन ले मेरे से, इसमें कोई शक की बात हो तो आप प्रॉपर टीवी पे आके, मीडिया पे आके अनाउंस करें, मैं आपको दावा देता हूं। सर ये तो हमने चैलेंज कर दिया ना, चैलेंज है, चैलेंज, मैं चैलेंज ही करता हूं। सवाल का जवाब दे देते हैं, इसका बेहतर ये है सवाल का जवाब थोड़ा दे देते हैं। किस अंदाज में दो जवाब बताइएगा सर? ठीक है, मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया कि आप आए देखें, जी 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 जी, लैंड देखें, बेतहाशा लैंड पड़ी और साफ सुथरी लैंड जिसमें जीरो क्राइम, एक भी मसला नहीं। जो ओवरसीज है, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी है मोस्टली, जो यूके यूरोप में होते हैं उनके पास ड्यूल नेशनलिटी होती है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में है पाकिस्तानी उनको बहुत इशू बनते हैं स्पेशली, क्योंकि सिंगल नेशनलिटी होती है उनके पास, पाकिस्तान में वापस जाना होता है, तो उनके लिए क्या कुछ स्पेशल पैकेज या मिनिमम किस तरह आप स्टार्ट करें, जो इंस्टॉलमेंट है वो उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, ताकि उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी हो जाएगा आपकी तरफ से आज स्पेशल, क्योंकि आप यूएई में आए हुए हैं तो ऐसा अनाउंस हो जाए ताकि उनको बेनिफिट हो कुछ। देखो मैं आया बेनिफिट देने के लिए हूँ आपको, तो कोई भी किसी किस्म का वो लीगली मैटर है तो उसके बारे में मेरी लीगल टीम है वो आपको ब्रीफ करेगी, लेकिन किसी का पैसा ज़ाया नहीं होगा। पहले सबसे बड़ी जो बात होती है, घर से बंदा कोई भी निकलता है, कहीं भी निकलता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जो आमदन है, मेरा जो पास जो जमा पूंजी है वो ज़ाया ना हो। तो इस सोसाइटी में मैं दावे से रब जलील की मेहरबानी से ये कह सकता हूँ कि यहाँ जमा पूंजी आपकी ज़ाया नहीं होगी, बढ़ेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।